नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधी बातें हम इस चैनल के माध्यम से करते रहते हैं और आप लोगों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप लोग भी जो है चाय पत्ती व्यापार शुरू कर सकते हैं और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। तो सीखना चाहते हैं आप, अगर सीखना चाहते हैं इस चाय पत्ती व्यापार को, तो जुड़े रहिए हमारी कंपनी के साथ में और इस चैनल के साथ में, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई चीज जो है इस चैनल पे आप लोगों के लिए दोस्तों अपलोड होती रहती है। तो अगर इस बिजनेस को दोस्तों आपको बहुत अच्छे और विस्तृत रूप से अगर जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन का जो बेल है नोटिफिकेशन का वो भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो जब अपलोड हो तो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो आज की इस खास डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की। अगर आप लोग चाय पत्ती के व्यापारी हैं, अभी आप लोगों ने रिसेंटली शुरू किया है या आप लोग शुरू करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है चाय पत्ती व्यापार को लेकर जब वो लोग शुरू करते हैं। हमारे पास में दोस्तों बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं इस चाय पत्ती व्यापार के लिए कि कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पे हम लोग ऑलरेडी भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं कि हाउ टू स्टार्ट टी बिजनेस विद लो इन्वेस्टमेंट, इस तरीके की कई वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगी और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि इस बिजनेस के लिए दोस्तों काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से इस व्यापार में आना चाहिए और कितना पूंजी जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ये सारी चीजें इस वीडियो के आखिर तक आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और अगर करना चाहते हैं चाय पत्ती व्यापार तो आखिर तक जरूर देखिए। तो चाय पत्ती व्यापार में आने का बेस्ट टाइम जो है वो ये है। पहली चीज तो हम यहां से शुरू करते हैं कि कब आपको स्टेप लेना चाहिए कि हम लोग ये चाय पत्ती व्यापार शुरू करें। तो चाय पत्ती व्यापार को शुरू करने की जो बेस्ट टाइमिंग है दोस्तों वो यही है। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी दोस्तों चाय पत्ती की जो खपत है वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। एक जनरल जो सप्लाई होती है उससे कई गुना खपत बढ़ जाती है दोस्तों जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आते जाती है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं इस बिजनेस में आने का और आप लोग भी इस चाय पत्ती व्यापार को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, करने से पहले हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कई वीडियोस में बताते हैं कि आप लोग जिस काम को कर रहे हैं क्या उसके बारे में आपको नॉलेज है, नॉलेज है तो कितना नॉलेज है, क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। ज्यादा नहीं हो तो उसका बेसिक्स तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक्स आप लोग कैसे सीख सकते हैं वो सीख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उनके माध्यम से। तो आप लोग और भी डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस हैं तो उनको भी आप लोग देखें। तो पहला स्टेप हमने आपको बताया कि आप लोगों को जो शुरू करने की टाइमिंग है वो ये बेस्ट टाइमिंग है। आप लोग इस टाइम चाय पत्ती व्यापार शुरू करें। आप कोई भी नियर बाई होलसेलर ट्रेडर से संपर्क करें या फिर आप लोग जो है अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपको शुरू करना है तो आप लोग डायरेक्ट पीछे से भी बाइंग कर सकते हैं, यानी कि आसाम और इधर दार्जिलिंग से, तो वहां से भी आप लोग चाय पत्ती मंगवा सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो कितना है। तो हम लोगों ने कई वीडियोस में आपको बताइए कि इसको आप स्मॉल स्केल से भी कर सकते हैं, मीडियम में और बहुत लार्ज स्केल से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जो वीडियोस बनाते हैं दोस्तों वो बनाते हैं आप लोग कि कैसे कम पैसे में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर भी मैं वही बात करूंगा कि कम पैसे में आप लोग किस तरीके से इसको शुरू कर सकते हैं। तो कम पैसे में शुरू आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ज्यादा आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको गोडाउन की जरूरत नहीं है। चौथा, आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कम पैसा आपके पास है, तो आप खुद इस व्यापार को खुद के तरीके से कर सकते हैं। सिंपली आप लोग दो चार बैग चाय पत्ती लेके आते हैं, छोटी मशीनरी आती है। छोटी मशीनरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बार दिखाएंगे कैमरा में, ये यहाँ पे छोटी मशीन भी हमने रखी हुई हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की छोटी मशीन आती है वो आप लोग ले लें। सिंपल पाउच के बहुत सारे जो है वर्जन मार्केट में हैं वो सिंपल पाउचेज आप लोग ले लें। इनका जो खर्चा ओवरऑल बनता है वो 10 से 20 हजार के बीच बनता है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली कॉस्ट। 10 से 20 हजार रुपए के बीच की कॉस्ट में आप लोग इस धंधे को शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि 10,000-20,000 लगा के आपको रुकना है। इस धंधे में बहुत आगे जाने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं। तो आप लोग इस धंधे में उतरने के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते रहें, धीरे धीरे चेंजेस करते रहें आपकी मशीनरी में, आपकी चाय पत्ती की क्वालिटी में, आपके चाय पत्ती के स्टॉक में, तो आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत आगे जा सकते हैं अगर इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्लेन पाउचेस से, उसके बाद में आप लोग जो है प्रिंटेड पाउच अपने नाम से बनवा सकते हैं, अपने ब्रांड में जा सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके के इंप्रूवमेंट्स जो है आप लोग कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप लोगों ने शुरू किया है बहुत कम इन्वेस्टमेंट से, तो आप लोगों को जो है कम इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे जो है इंप्रूव करते जाना है। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ते जाए मार्केट में, आप भी अपने जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं इनमें भी इंप्रूवमेंट कर लें, आपकी पैकेजिंग जो है उनमें भी आप लोग इंप्रूवमेंट
करते जाए। तो दूसरा आपका हो गया इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बताया आपको 10 से 20 हजार रुपए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप हमारा ऑफिस एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग विजिट कर सकते हैं। विजिट करने से पहले आप लोग फोन कर दीजिएगा ताकि हम हमारी टाइमिंग आपको कन्फर्म कर दें। और अगर इसकी और विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको। आपको सैम्पलिंग लेना है, आपको कोई मशीन परचेज करनी है, आपको चाय पत्ती परचेज करनी है, आपको जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है इस चाय पत्ती बिजनेस को लेके, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल करने की टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, 11 बजे से शाम को 5 बजे तक ही आप लोग जो है कॉल करें। तो दो चीजें मैंने आपको कंफर्म कर दी है। तीसरा जो होता है इस बिजनेस में आने से पहले वो होती है उसकी लाइसेंसिंग। तो लाइसेंसिंग में कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। अगर आप लोग बहुत कम और छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके अलावा आपको कोई भी लाइसेंस नहीं बनवाना है। तो तीसरा आपकी ये होगी लाइसेंसिंग की प्रोसेस। तो ये 3 छोटे से स्टेप जो है इनको फॉलो करके और आप लोग चाय पत्ती व्यापार में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं बताता हूं आपको कि देखो टेस्टिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है और ये आप कब सीखोगे, जब आप लोग इस बिजनेस में आओगे और धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, आप लोग ग्राउंड वर्क करोगे, तब आपको जो है धीरे धीरे नॉलेज आना शुरू होगी कि किस तरह की चाय की टेस्टिंग होती है, किस तरह की चाय की ब्लेंडिंग होती है। आप लोग ये सवाल कभी भी पहले दिन ना करें क्योंकि ये एक दिन में और एक महीने में सीखने वाला सब्जेक्ट है ही, तो इसमें थोड़ा सा लगता है टाइम। तो आप लोग इस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे रखें और फोकस करें कि किस तरीके से हम लोग खरीद के लाएं, ब्लेंडेड माल खरीद के लाएं, कौन से पैकेजिंग में पैक करें और उसको किस तरीके से बेचें। आपका फोकस शुरू में यह होना चाहिए, बेचना आपका मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि बेचना इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद लोगों को आपकी क्वालिटी, आपके ब्रांड, आपके वैल्यू के बारे में पता चलता है, ना कि आप घर बैठ के। अगर आप लोग 2 महीने टेस्टिंग ही सीख रहे हैं, हो सकता है आप 2 महीने ब्लेंडिंग ही सीख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप ग्राउंड पे जाओगे नहीं तब तक आपकी चाय पत्ती में क्या कमी है, कौन सी क्वालिटी में आपकी कमी आ रही है, किस पैकेजिंग में आपको कमी आ रही है, इसका पता नहीं चलेगा आपको। अगर इन खामियों का पता लगाना है तो आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको मार्केट में चाय को बेचना पड़ेगा, तब आप लोग जो भी आपके अंदर कमियां हैं, आपके बिजनेस में कमियां हैं, आपकी क्वालिटी में कमियां हैं, आपकी पैकेजिंग में कमियां हैं, उनको पूरा कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा आप लोग जरूर गौर करें। और फिर भी अगर कोई चीज आपसे छूटी है, आपको सीखना चाहते हैं उसको भी, तो हमसे पूछें। आप लोग हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग कमेंट कर दें वीडियो के नीचे, आपको जिस तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट करिए। तो आज की इस खास डिस्कस में बस इतना ही था, मिलते किसी और वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। चाय पत्ती व्यापार के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।